हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो का पार्ट नंबर 6 है, और इससे पहले मैं पार्ट 5 बना चुका हूँ, उसमें 45 से अब क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी डिप्लोमा मैकेनिकल के छात्र हैं या जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, वो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरा फेसबुक पेज है, तो इसको क्या करना है, आपको फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लेना है। फॉलो का मतलब डिटेल है आपको @RK0808, या आप सर्च कर सकते हो उसमें MRK मैकेनिकल। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा पेज आ जाएगा, उसको लाइक कर देना, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं अब। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मैं आपको 48 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप वीडियो में देख लेना जाके। तो देखिए, SSJEE 2019 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन देखिए पहले आप। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन एज 80% इफ द साइकिल डायरेक्शन बी रिवर्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। देखिए, कार्नोट इंजन की दक्षता आपको दे रखी है 80%, और चक्र दिशा उल्टा कर दिया जाता है, तो विपरीत कार्नोट चक्र का COP निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। तो इसका आंसर बताइए आप। देखिए, मैं आपको टाइमर लगा देता हूँ, 1 मिनट आपको मिलता है, आप टेस्ट की तरह इसको कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना, और इसके बाद में इसको आंसर आप इसका सॉल्यूशन मैं आपको कराता हूँ। तो चलिए इसको करिए आप। तो देखिए, टाइमर आपको लगा दिया है मैंने, ठीक है, स्टार्ट हो गया है टाइमर। तो आप क्वेश्चन करिए इसको जल्दी से, 1 मिनट का समय है आपके पास। जल्दी जल्दी करिए, कौन कर पाता है इस क्वेश्चन को, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो कर लेगा उसका नाम बताऊंगा मैं। टाइम फिनिश होने वाला, जल्दी जल्दी करिए। तो चलिए, यहाँ पे टाइम फिनिश हो गया, आप करते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, आपको डेटा गिवन दे रखा है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन दे रखा है 80%, और COP रेफ्रिजरेटर पूछ रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1/ इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, ये फार्मूला होता है पूरा, आपने कहीं कहीं पे इतना पढ़ा होगा, लेकिन ये इतना पूरा फार्मूला होता है। ठीक है, 1/ इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो यहाँ पे देखिए, हम क्या करेंगे, हमें इंजन की इफिशियंसी दे रखी है 80%, तो हम इस वाले रिलेशन में लेंगे। ठीक है, अगर ये दे रहा होता तो ये वाला रिलेशन लेता, तो इस वाले रिलेशन को लेंगे हम सबसे पहले। देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। आपको इफिशियंसी कितनी रखी है, 80%। तो 80% को हम कैसे लिख सकते हैं, 80/100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए, मैं आपको बता दूँ, 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर, अब इसको कैसे लिखेंगे, 100 ऊपर जाएगा अपॉन 80, तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर, इससे आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 1.25। ठीक है, 8 × 16, 8 एक बार जाएगा तो 1.25 जाएगा। यहाँ से आप रेफ्रिजरेटर की इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं, देखिए COP रेफ्रिजरेटर को 1.25 - 1। ठीक है, 1 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा अपना, 0.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, SSJEE में ये पूछा गया है 2018 में। तो देखिए, इफ द टीयरिंग इफिशियंसी ऑफ रिवेट जॉइंट इज 60%, द रेशियो ऑफ रिवेट होल डायमीटर टू द पिच ऑफ रिवेट इज। तो देखिए, आपको एक रिवेट का इफिशियंसी दे रखी है टीयरिंग इफिशियंसी, और आपको रेशियो पूछा है होल डायमीटर बाई पिच रिवेट का, पिच का। तो चलिए इसको करते हैं, और इसका आप करिए पहले, इसको मैं टाइम लगा देता हूँ। चलिए, टाइमर शुरू हो गया आपका, 1 मिनट का है, और आप करिए इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करिए। देखिए, कौन कर पाता है इस क्वेश्चन का।
वीडियो को लाइक कर दे जाना साथ में, ठीक है। टाइम फिनिश हो गया, अब चलिए इसको मैं कराता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफिशियंसी ऑफ आपके रिवेट की दे रखी है 60% और डायमीटर अपॉन पिच का रेशियो आपको पूछा है रिवेट के केस में, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको आपको एक फार्मूला बताता हूँ, आपको टीयरिंग इफिशियंसी क्या होती है, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ टीयरिंग, TEARING, टीयरिंग P-D अपॉन P, ये होता है। यहाँ पे आपका पी पिच है और डी डायमीटर है, ठीक है, किसी भी रिवेट की। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, अब टीयरिंग एफिशिएंसी आपको दे रखी है 60%, तो 60% दे रखी है, 60% को हम कैसे लिख देंगे, 60/100 और P-D/P। देखिए डी वाई पी का आपको रेशियो पूछा है तो कैसे करेंगे, अब 60% को कैसे लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.6 इज इक्वल टू P-D/P। देखिए मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता दूँ कैसे करेंगे, 0.6 यहाँ पे लिख लिया, P-D/P लिख लिया। अब देखिए करेंगे क्या इसमें, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हम करेंगे इसको, तो 0.6 तो ऐसे लिखे लिखा है, और P-D/P को हम कैसे लिख सकते हैं, P-P-D/P, ठीक है। अब ये P/P कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.6 इज इक्वल टू 1-D/P, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे हम, 0.6 ये इधर लेके आएंगे माइनस का, तो +D/P हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे DYP इज इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि इधर 0.6 उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 0.6, तो DYP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.4, ठीक है। अब 1 में से ये घटा देना आपको 0.4 आंसर आ जाएगा, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये थोड़ा सा गलत हो गया था कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSJEE 2018 में पूछा गया है। तो देखिए, ए बॉडी इज वाइब्रेटिंग एट 10 वाइब्रेशन पर सेकेंड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड कैन बी। तो आपको देखिए वाइब्रेशन पर सेकेंड, 10 वाइब्रेशन पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है, और आपका एम्पलीट्यूड दे रखा है 10, तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में आपको बतानी है। तो करिए इसको, मैं टाइमर लगा देता हूँ यहाँ पे 1 मिनट का। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका टेस्ट हो रहा है एक तरीके का, ठीक है, तो टाइमर लगा दे रहा हूँ, करिए इसको। चलिए टाइमर शुरू हो गया है आपका, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी, कौन करवाता है, और जो भी कर पाता है वो सारे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए हैं। न्यूमेरिकल में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, करिए जल्दी जल्दी। चलिए यहाँ पे टाइम फिनिश होगा, चलिए किसको करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि किसी भी आपका कोई दोलन है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक मतलब एक तरफ एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे मान लो ये आपका एक पेंडुलम है, तो यहाँ से कितना आपको डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो रहा है, वही आपका होगा एम्पलीट्यूड। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है आपका वाइब्रेशन पर सेकंड, एन से डिनोट करते हैं, 10 आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे मैक्सिमम आपको वेलोसिटी बतानी है, तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा R इंटू ओमेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ओमेगा बराबर आपने पढ़ा होगा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, हो गया। तो देखिए यहाँ पे r कितना होगा, r हमारा एम्पलीट्यूड है, तो 10 रखेंगे इंटू ओमेगा बराबर 2 पाई n रखेंगे, और 10 इंटू 2 इंटू पाई, n कितना है फ्रीक्वेंसी 10, तो कितना हो जाएगा 10, 100 और 100 दूनी 200, तो 200 पाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ए सॉलिड शाफ्ट कैन बी रेजिस्ट एट ए बेंडिंग मूवमेंट ऑफ 3 किलोन्यूटन पर मीटर एंड ए ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ 4 किलोन्यूटन मीटर टुगेदर, द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड। तो देखिए आपको ट्विस्टिंग मूवमेंट भी दे रखा है और आपको बेंडिंग मूवमेंट दे रखा है, तो इक्विलेंट आपको निकालना है, ठीक है। इसमें इक्विलेंट कंडीशन लगेगी, तो इसको करिए, मैं इसको आपका टाइमर लगा देता हूँ, टाइमर लग गया है आपका, चलिए क्वेश्चन करिए, देखिए कौन कर पाता है इस क्वेश्चन को। वीडियो को लाइक भी कर दे रहे हैं साथ में सभी लोग जो भी देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे टाइम फिनिश हो गया, चलिए इसको करते हैं, किस तरीके से करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बेंडिंग मूवमेंट आपको दे रखा है 3 किलोमीटर पर मीटर, ट्विस्टिंग मूवमेंट आपको दे रखा है 4 किलोमीटर पर मीटर। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट पूछा है, तो देखिए इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट का फॉर्मूला होता है आपका TE इज इक्वल टू अंडर रूट में T² + m²। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका T का वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो 4² + m कितना है 3², तो कितना हो जाएगा 16 4 16 16 + 3 3 कितना होता है 9, तो 16 9 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो आपका आंसर आ गया ट्विस्टिंग मूवमेंट का 5, ठीक है, 5 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे क्लियर होगा होगा आपको आंसर, तो वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्या है, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉल क्लिफ, द डिस्टेंस इट ट्रेवल इन द फर्स्ट सेकेंड, तो जी दे रखा है आपको, देखिए किसी ऊंची चट्टान के ऊपर से कोई पिंड आराम की स्थिति से मुक्त रूप से गिरता है प्रथम सेकंड में, उसके द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। देखिए इसरो से आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम इसरो में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं टाइमर लगा देता हूँ, आप करिए इस क्वेश्चन को, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, यहाँ पे मैं टाइमर लगा रखा है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, चलिए जल्दी जल्दी करिए इस क्वेश्चन को। इस टाइप के इसरो में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका टाइम फिनिश होने वाला है, करिए जल्दी जल्दी। चलिए टाइम फिनिश हो गया, अब इसको करते हैं, किस तरीके से करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे आपका कोई भी पत्थर है, ठीक है, कोई भी पत्थर आपको फ्री गिर रहा है, वो नीचे गिर रहा है, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी आपका होता है उस टाइम पे जब एक ही मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी होती है 0 मानते हैं हम, किसी भी चीज़ को हम स्टार्टिंग से छोड़ते हैं तो, या कोई भी गाड़ी है स्टार्टिंग में चली तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मानेंगे, ठीक है, उस जगह पे 0 होती है। तो वेलोसिटी अब क्या है, अब जी इसका 10 दे रखा है, टाइम 1 सेकंड दे रखा है, तो प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी आपको पूछ रहा है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रथम सेकंड में तय की गई
दूरी। तो पता है सेकंड तय की दूरी, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होता है ना, आप पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वैल्यू रखेंगे, क्योंकि देखिए यू आपका प्रथम वेलोसिटी, आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो देखी है, और वन अपॉन टू इंटू जी कितना है 10 दे रखा है, और टी टाइम कितना लग रहा है हमको 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से ये 5 डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 5 मीटर। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, यहाँ पे एस आपकी आ गई 5 मीटर। तो वीडियो को क्या करना है भाई, लाइक करना है ज़रूर, और मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके आता हूँ।